श्री जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा टाटा बिजनेस एम्पायर के फाउंडर है। जी हाँ, ये वो हैं जिन्होंने टाटा एम्पायर को खड़ा किया और इतना बड़ा किया कि 102.4 बिलियन US डॉलर्स की तो ये फिलेंथ्रोफी ही कर गए। तो सवाल ये है कि आखिर जमशेद जी टाटा ने अपने जीवन काल में ऐसा क्या किया था, और उस समय तो भारत अंग्रेजों के अधीन भी था, तो अंग्रेजों ने आखिर एक भारतीय को इतना पैसा कैसे कमाने दिया। आखिर क्या कहानी है जमशेद जी टाटा की, उनकी लड़ाई की, उनके बिजनेस एक्यूमेन की, जानने के लिए देखते रहिएगा आज का एपिसोड। अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि इतना कुछ करने के बाद भी जमशेद जी टाटा को भारत रत्न नहीं दिया गया, बल्कि भारत रत्न दिया गया JRD टाटा को। आखिर ऐसा क्यों? JRD टाटा तो भारत में पैदा भी नहीं हुए थे, तो फिर JRD टाटा को भारत रत्न क्यों दिया गया? JRD टाटा भी 2012 के आउटलुक मैगजीन पोल में ग्रेटेस्ट इंडियंस की सूची में छठे स्थान पर है। आखिर ऐसा क्या किया है JRD टाटा ने भारत के लिए? और अब मेरा आखिरी सवाल, आखिर टाटा के एयर इंडिया के खरीदने से इन दोनों का क्या संबंध है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 20 ऑफ अ स्टोरी अ वीक। मेरा नाम है अक्षय कपूर। जमशेद जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को नवसारी गुजरात में हुआ था। इनका परिवार भी उन पारसी परिवारों में से एक था जो कि अरब मुस्लिमों के नरसंहार से बचने के लिए ईरान से भारत आए थे। इनका परिवार एक रेस्पेक्टेबल पारसी पंडितों का परिवार था जो कि आर्थिक दृष्टि से गरीब थे। इनके पिता नुसरवान जी इनके पूरे खानदान में वो पहले शख्स थे जिन्होंने पंडित का काम छोड़कर बिजनेस शुरू किया। नुसरवान जी की एक छोटी एक्सपोर्ट फर्म थी मुंबई में। नुसरवान जी ने अपने पुत्र को एक अच्छी शिक्षा दिलाई और जमशेद जी ने अपनी ग्रेजुएशन एल्फेस्टीन कॉलेज बॉम्बे से की थी। इसके बाद वो 1858 में अपने पिता के साथ उनके बिजनेस में आए। नुसरवान जी कई बार काम के सिलसिले में चाइना जाते थे और वो चाहते थे कि जमशेद जी उस समय के चलते ओपियम के बिजनेस में उतरे और इसे संभालें। इसलिए उन्होंने जमशेद जी को चाइना भेजा ओपियम बिजनेस सीखने, पर जमशेद जी को ये बिजनेस गवारा ना था और उन्होंने ओपियम का हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस ना करके कॉटन इंडस्ट्री में अपना पैसा और अपनी मेहनत लगाने का सोचा। यहाँ एक और मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली बिरला की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसी ही हुई थी। बिरला एम्पायर के संस्थापक शिव नारायण बिरला वो पहले शख्स थे जो पिलानी से बाहर निकले और उन्होंने अहमदाबाद के रॉ कॉटन ट्रेड में अपना बिजनेस जमाया और फिर बाद में चाइना से हो रहे ओपियम ट्रेड में उतरे और खूब पैसा कमाया। उन्होंने अपना इतना सिक्का जमा लिया था इस ट्रेड में कि बाद में वो ब्रिटिश मिडलमैन को हटाकर चाइना से खुद डायरेक्ट ओपियम ट्रेड करने लगे थे। लेकिन अब वापस आते हैं जमशेद जी की कहानी पर। ओपियम ट्रेड में पैसा तो था, मगर फिर भी जमशेद जी ने ओपियम की बजाय कॉटन क्यों चुना? समझने के लिए ये बात ध्यान रखिएगा कि ये बात है 1860 के दशक की। भारत की पहली आज़ादी क्रांति को दबाने के बाद अंग्रेज और भी ताकतवर हो चुके थे और बड़ी मात्रा में वो अब सस्ते दामों में रॉ कॉटन भारत से खरीद कर इंग्लैंड भेज रहे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से भारत की हैंडलूम इंग्लैंड की बड़ी कॉटन मिल्स से कंपीट नहीं कर पा रही थी। यूरोप की कॉटन मिल्स में भारत से ज़्यादा रॉ कॉटन अमेरिका से आ रहा था। अमेरिका में अंग्रेजों ने बड़े बड़े प्लांटेशंस में अफ्रीकी स्लेव्स लगाकर ज़बरदस्त मात्रा में कॉटन प्रोडक्शन कर रहे थे और यूरोप भेज रहे थे। इसी बीच 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर शुरू होता है और इसकी वजह से ब्रेक लगता है इस अमेरिकन यूरोपियन रॉ कॉटन एक्सपोर्ट पर। और अब रॉ कॉटन के लिए सभी देख रहे थे भारत की तरफ, मगर असली पैसा तो रॉ कॉटन से कपड़ा बनाकर बेचने में था। 1868 में जमशेद जी ने 21,000 रुपये के साथ अपनी ट्रेडिंग फर्म स्थापित की और सबसे पहले इंग्लैंड गए टेक्सटाइल बिजनेस को समझने। 1869 में उन्होंने बम्बई के चिंचपोकली में एक बैंक्रप्ट ऑयल मिल खरीदी और उसे बदलकर एक कॉटन मिल बना दी जिसका नाम रखा अलेक्जेंड्रा मिल। 2 साल इस मिल को चलाने के बाद एक अच्छे प्रॉफिट में इस मिल को उन्होंने एक कॉटन मर्चेंट को बेच दिया और फिर से एक बार निकल गए इंग्लैंड के लिए, इस बार एग्जॉस्टिव स्टडी पर। उन्होंने लैंकशायर कॉटन ट्रेड को अच्छे से समझा, वहाँ की मशीन, लेबर, प्रोडक्ट, ट्रेड सीक्रेट को उन्होंने बारीकी से देखा और फिर ये मन बना लिया कि अब वो अंग्रेजों को उन्हीं के खेल में हराएंगे। वापस आने के बाद उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने अच्छे अच्छों को चक्कर में डाल दिया। उन्होंने अपनी मिल मुंबई के बजाय नागपुर में बनाने का निर्णय लिया। उस समय भारत की सारी अच्छी कॉटन मिल
जो कि हैंडलूम मिल्स थी, मुंबई में थी। इसकी वजह यह थी कि मुंबई में एक्सपोर्ट की नज़र से एक पोर्ट था, स्किल्ड लेबर थी और मुंबई एक बड़ा शहर भी था। इन सब बातों के बावजूद उन्होंने नागपुर में मिल लगाना तय किया। सब उन्हें बेवकूफ़ कह रहे थे, मगर जो जमशेद जी प्लान कर रहे थे वो लोगों की सोच से काफ़ी आगे की बात थी। जमशेद जी ने इंग्लैंड में रेलवेज की ताकत देखी थी और उन्हें पता था कि आने वाले समय में नागपुर रेलवे का एक बड़ा केंद्र होने वाला है। नागपुर कॉटन उगाने वाले क्षेत्र के ठीक बीच में था, पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, जमीन सस्ती थी और अनस्किल्ड लेबर भी सस्ती थी। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए उन्होंने 1874 में द सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की 1.5 लाख रुपए की सीड कैपिटल के साथ, और फिर फाइनली 1877 में नागपुर में स्थापित करी एम्प्रेस मिल। उन्होंने उस समय की विश्व की बेस्ट मशीन लगाई थी एम्प्रेस मिल में, ताकि बढ़िया फिनिश प्रोडक्ट बने और वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सके। इन मशीन्स को उन्होंने इंग्लैंड से इम्पोर्ट किया था, जिसे 4 महीने लगे थे भारत आने में। मिल के शुरुआत में ही उन्हें एक बड़ी दिक्कत आई, उनकी स्किल्ड लेबर मुंबई से आती थी और हफ्ते में 2 से 3 दिन ही काम करती थी, बाकी दिन कुछ ना कुछ बहाना मारकर छुट्टी पर चली जाती थी। अब ऐसे में एक बिजनेसमैन क्या करता है, वो शक्ति लाता है। मगर जमशेद जी ने कुछ और ही किया, वो इस दिक्कत को जड़ से समझ गए थे और इसे ख़त्म करने के लिए वो लाए लेबर रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स माने प्रोविजन ऑफ ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड फॉर वर्कर्स, मेडिकल इंश्योरेंस फॉर वर्कर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली डेज, बोनस ऑन फेस्टिवल्स लाइक गोल्ड चेन्स, शॉर्टर वर्किंग आवर्स, वेल वेंटिलेटेड वर्कप्लेस एंड अदर वेलफेयर इनिशिएटिव्स। ऐसा पहली बार हो रहा था भारत में कि किसी फैक्ट्री के लेबर के लिए इतना कुछ किया जाओ। ये सब लाते ही उनकी अटेंडेंस की समस्या हल हो गई और लोग अब उनकी फैक्ट्री में काम करने के लिए कतार लगाए खड़े थे। देखते ही देखते उनकी प्रोडक्शन बढ़ी और ऑर्डर्स समय से जल्दी पूरे होने लगे। इसे देख वो मिल को एक्सपैंड करते गए और उनकी मिल सभी को पीछे छोड़ने लगी, इंग्लैंड की मिलों को भी। जमशेद जी लेकिन यहाँ नहीं रुके, वो लगातार इंग्लैंड के दौरे पर जाते रहते थे और उन्हें रिसर्च बेहद पसंद थी। उन्होंने अपनी मिल में भी रिसर्च विंग बना रखी थी। इसी बीच 1883 के एक इंग्लैंड दौरे पर उनके टेक्निकल एक्सपर्ट जेम्स ब्रुक्सबी ने उन्हें एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। यह टेक्नोलॉजी अंडर रिसर्च थी यूएसए में। यह टेक्नोलॉजी थी रिंग फ्रेम्स की। इसका पता चलते ही जमशेद जी ने रिंग मंगवा कर अपने नागपुर मिल में भेज दी ट्रायल्स के लिए। ये रिंग अभी तक किसी भी इंग्लैंड के मिल में नहीं लगी थी और अंडर रिसर्च एंड ट्रायल ही थी। नागपुर में एम्प्रेस मिल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने इस रिंग को सही इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लिया और यूएसए या इंग्लैंड से पहले जमशेद जी के कहने पर एम्प्रेस मिल में ये रिंग फ्रेम पूरे मिल में लग चुके थे। इसका परिणाम ये था कि प्रोडक्शन में स्पिंडल रेवोल्यूशन 6000 से 9000 तक जाने लगे और प्रोडक्शन लेवल 1.5 गुना तक बढ़ गया एंड प्रॉफिट्स स्काईरॉकेटेड। ये वो मिल थी जिसने टाटा परिवार को विश्व के सबसे अमीर लोगों में लाकर खड़ा कर दिया। मगर जमशेद जी एक भारतीय थे जो कि इंग्लैंड में जाकर ये समझ गए थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सबसे प्रमुख इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो कि कभी भारत में नहीं लगी और ना ही अंग्रेजों ने कभी लगाई, और शायद इसीलिए भारत में कभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ही नहीं। और अब जमशेद जी को भारत में एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगानी थी। ये बात है 1880 की, लेकिन इस बार ब्रिटिश सरकार ने भी ठान लिया था कि उन्हें जीतने नहीं देना है। जमशेद जी को बहुत दिक्कतें आईं, मगर वो लगे रहे अपने सपने के पीछे। चीफ कमिश्नर ऑफ द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे सर फ्रेडरिक अपकॉट इस हद तक चले गए कि उन्होंने कहा कि अगर टाटा ने स्टील बनाया तो वो सारा स्टील खा जाएंगे और टाटा को कभी भी स्टील बनाने नहीं देंगे। इन सब धमकियों के बावजूद 1912 में टाटा स्टील प्लांट से पहला स्टील बनकर निकलता है अंग्रेजों की सरकार में। हालांकि 1912 में जमशेद जी को मरे 8 साल हो चुके थे, मगर उनका यह सपना उनके पुत्र दोराब और दोराब के कजन आरडी टाटा ने पूरा किया था। जमशेद जी ने दोराब को एक पत्र लिखा था 1902 में। इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि जो भी शहर तुम चुनो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, वहां चौड़ी सड़कें बनवाना, जल्दी उगने वाले अलग अलग प्रजाति के पेड़ भी लगाना, ध्यान रखना कि लॉन और गार्डन के लिए जगह होनी चाहिए, फुटबॉल हॉकी और पार्क्स के लिए भी बड़ी बड़ी जगह रखना, और सुनो हिंदुओं के लिए मंदिर, मुसलमानों के लिए मस्जिद और ईसाइयों के लिए गिरजाघरों के लिए भी जगह रखना।
और पुत्र ने ऐसा ही किया और ये उनका ही विजन था या मैं कहूँ कि उनकी ही मेहनत थी कि ये फैक्ट्री लगी और उन्हीं के नाम पर इस फैक्ट्री के शहर का नाम रखा गया जमशेदपुर। जमशेद जी को सीधे पैसे देकर चैरिटी या डोनेशन करना पसंद नहीं था बल्कि वो मदद एक फिलेंथ्रोपिस्ट के रूप में करते थे। उन्होंने 1892 में जन्म दिया जे एन टाटा एंडाउमेंट को जो कि बाद में टाटा स्कॉलरशिप में तब्दील हो गया। ये भारतीय छात्रों को फंड करता था जब वे इंग्लैंड पढ़ने जाते थे। इस स्कॉलरशिप फंड का परिणाम ये रहा कि 1924 तक इंडियन सिविल सर्विस में चयनित होने वाले हर 5 में से 2 भारतीय टाटा स्कॉलर्स थे। जमशेद जी ने अपने खुद के पैसों में से 30,00,000 रुपए निकाले थे भारत में एक विश्व स्तरीय R&D एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। इसके लिए उन्होंने उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन से लेकर स्वामी विवेकानंद तक कई हस्तियों को आग्रह किया। यह सपना भी उनके जीते जी पूरा ना हो पाया मगर उनके मरणोपरांत 1911 में बना IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर। अच्छा, एक और प्रचलित कहानी है कि जमशेद जी एक बार जब वॉटसन होटल में एंटर हो रहे थे तो वॉटसन होटल के अंग्रेजी मैनेजमेंट ने उन्हें होटल में प्रवेश करने से मना कर दिया क्योंकि वो भारतीय थे। इस बात का उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने ठान लिया कि वो भारत का सबसे शानदार होटल बनाएंगे, इतना शानदार कि अंग्रेज खुद उनके होटल में रुकने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करा करेंगे। और इसी पे उन्होंने 1903 में 4.21 करोड़ रुपए की लागत से बनाया ताज बॉम्बे। ताज भारत की पहली बिल्डिंग थी टू यूज इलेक्ट्रिसिटी, टू हैव अमेरिकन फैंस, जर्मन एलिवेटर्स, टर्किश बाथ्स, फर्स्ट लाइसेंस्ड बार, इंडियाज फर्स्ट ऑल डे रेस्टोरेंट एंड इंडियाज फर्स्ट डिस्कोथेक नेम्ड ब्लो अप एंड यस इंग्लिश बटलर्स। हाँ, यहाँ अंग्रेजी वेटर भारतीयों को सर्व करते थे। 1924 में इसी होटल के सामने बना गेटवे ऑफ इंडिया। इन सब के बावजूद जमशेद जी वो टाटा नहीं थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया हो। भारत रत्न सम्मानित किए जाने वाले इकलौते टाटा है JRD टाटा। तो आखिर JRD ने ऐसा क्या किया है भारत के लिए? जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा यानी कि JRD टाटा टाटा परिवार के तीसरी पीढ़ी के थे जो कि दोराबजी के कजन RD टाटा के पुत्र थे। इनका जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। इनकी माताजी सुजैन एक फ्रेंच नेशनल थी जो कि बाद में भारतीय हो गई। JRD लंदन, जापान, फ्रांस और इंडिया में पढ़े थे और एक फ्रेंच सिटीजन होने के कारण उन्होंने एक साल फ्रेंच आर्मी में भी अपनी सेवा दी थी जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें वापस बुला लिया उनकी पसंद के खिलाफ। और शायद ही अच्छा ही हुआ क्योंकि उनकी रेजिमेंट कुछ महीने बाद ही एक लड़ाई में मारी गई और शायद वो भी मारे जाते। JRD ने 1929 में फ्रेंच सिटीजनशिप छोड़ी और भारतीय सिटीजनशिप अपना ली। JRD को बचपन से ही फ्लाइंग का शौक था और इसलिए भारत आते ही उन्होंने फ्लाइंग सीखी और 10 फरवरी 1929 को JRD वो पहले इंसान बने जिन्हें भारत में फर्स्ट कॉमर्शियल फ्लाइट लाइसेंस इशू किया गया। इसके बाद उन्होंने 1932 में भारत की पहली कॉमर्शियल एयरलाइंस लॉन्च की जिसका नाम था टाटा एयरलाइंस। भारतीय इतिहास की पहली कॉमर्शियल फ्लाइट 15 अक्टूबर 1932 को कराची से उड़कर मुंबई आई और उसे उड़ाया था JRD टाटा ने। इन्हीं सब बातों की वजह से उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन कहा जाता है। JRD ने टाटा ग्रुप को 1925 में एज अप्रेंटिस ज्वाइन किया था। उन्हें टिस्को जमशेदपुर में पोस्ट किया गया था। उस समय के टिस्को के डायरेक्टर इंचार्ज थे जॉन पीटरसन। जॉन पीटरसन एक ICS ऑफिसर थे जिन्होंने ICS के बाद टिस्को ज्वाइन की थी। वो एक सख्त डायरेक्टर थे जो कि ब्रिटिशर्स से नफरत करते थे और भारतीयों से प्यार करते थे। JRD बताते हैं कि वो जॉन ही थे जिन्होंने उन्हें एक कंपनी चलाने के सारे गुण सिखाए। वो एक अच्छे और कड़क मेंटर थे और वो जॉन ही थे जिन्होंने दोराबजी को कन्विंस किया था कि JRD को फ्लाइंग करने दो और एयरलाइंस लॉन्च करने दो। जॉन के नीचे सीखने के बाद 34 साल की उम्र में 1938 में JRD को टाटा सन्स का चेयरमैन इलेक्ट किया गया। उन्होंने आने वाले कई दशकों तक टाटा सन्स को संभाला और इसे 100 मिलियन यूएस डॉलर से 5 बिलियन यूएस डॉलर्स की कंपनी बना दिया। उन्होंने 14 एंटरप्राइजेस से शुरुआत की थी और जब वो चेयरमैन पद से हटे तब टाटा सन्स वॉज अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ 95 एंटरप्राइजेस। वो प्रसिद्ध इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने बिजनेस हमेशा एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ किया। अब बात करते हैं कि उन्होंने भारत के लिए क्या खास किया। वो JRD ही थे जिन्होंने भारत में निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना की। द टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट 1941 में,
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस 1936 में, द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR 1945 में, एंड द नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये सभी संस्थाएं आज भी भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है और ये अपने फील्ड की प्रमुख संस्थाएं हैं। इन्होंने 1945 में टाटा मोटर्स की स्थापना की, 1987 में टाइटन इंडस्ट्रीज की स्थापना की और यही थे जिन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की भी स्थापना की थी। एक बार जरा गैस कीजिए कि TCS की स्थापना कब की होगी इन्होंने। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पहले टाटा कंप्यूटर सेंटर कहा जाता था। गैस कीजिए कब आए होंगे कंप्यूटर और कब की होगी इन्होंने स्थापना। इन्होंने 1968 में ही टाटा कंप्यूटर सेंटर की स्थापना कर दी थी। सोचिए कितने विजनरी थे ये। इन्होंने 1956 में एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए कुछ नियम लगाए, जैसे कि 8 आवर्स वर्किंग डे, फ्री मेडिकल एड, वर्कर्स प्रोविडेंट स्कीम, वर्क्समैन एक्सीडेंटल कंपनसेशन स्कीम। ये सब भारत में स्टैचुरी रिक्वायरमेंट के तौर पर सरकार द्वारा रख दिए गए हैं। JRDE ने भारत की पॉपुलेशन की समस्या को देखते हुए भारत की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए समय और पैसा लगाया और उनकी इसी विजन और एफर्ट्स पे बाद में बना द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज। उन्हें 1992 में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड से नवाजा गया और फिर ठीक इसी साल 1992 में सेल्फलेस ह्यूमैनिटेरियन एंडेवर्स के लिए JRDE टाटा को भारत के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नवाजा गया, भारत रत्न से। अब बात करता हूं मैं एयर इंडिया और JRDE टाटा की। JRDE ने 1932 में भारत की पहली कॉमर्शियल एयरलाइंस लॉन्च की, टाटा एयरलाइंस, और वो उस एयरलाइन की पहली फ्लाइट उड़ाने वाले पायलट भी थे। वर्ल्ड वॉर टू के बाद 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी और इसका नाम रखा गया एयर इंडिया। फिर 1948 में JRDE टाटा ने लॉन्च की एयर इंडिया इंटरनेशनल, भारत की पहली इंटरनेशनल एयरलाइंस। इसके बाद उनकी मर्जी के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास कर उनकी दोनों एयरलाइंस, जिनको उन्होंने बच्चों की तरह पालकर बड़ा किया था, उन दोनों एयरलाइंस को 1953 में नेशनलाइज कर दिया। JRDE को हालांकि इसका चेयरमैन बनाया और वो 1977 तक इसके चेयरमैन रहे, मगर अब ये एयरलाइन उनकी नहीं थी और ना ही वो सोल डिसीजन मेकर थे। इसलिए जब अब रतन टाटा की चेयरमैनशिप के अंडर टाटा सन्स ने एक डूबती एयर इंडिया की बिड को जीता तो एक नॉस्टैल्जिया का माहौल बन गया और इसे एक वापसी कहा गया। इसी बात के साथ मैं अपनी आज की ये कहानी ख़त्म कर रहा हूँ, मगर एपिसोड ख़त्म करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। इस एपिसोड को बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगती है और बहुत समय और पैसे भी लगते हैं। मेरी आपसे इतनी दरखास्त है कि प्लीज़ अगर आपको मेरे एपिसोड्स पसंद आते हैं तो इन एपिसोड्स के लिंक आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कम से कम एक दिन के लिए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और हो सके तो अपनी रिकमेंडेशन के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो ओपन करने के बाद आपको शेयर बटन दबाना है। शेयर बटन दबाते ही आपके ऑप्शंस खुल जाएंगे जिसमें आपको व्हाट्सएप सेलेक्ट करना है। व्हाट्सएप सेलेक्ट करने के बाद सबसे ऊपर आ रखे माय स्टेटस को आप सेलेक्ट करें तो वो लिंक अपने आप बना हुआ आ जाएगा। इसके बाद आपको केवल ट्रायंगल ग्रीन बटन को क्लिक करना है और ये शेयर हो जाएगा। शेयर करने से पहले आप लिंक के नीचे अपनी रिकमेंडेशन भी लिख सकते हैं। इससे मैं नए लोगों तक पहुंच पाऊंगा, इससे मेरे चैनल को बढ़ने में मदद मिलेगी और मुझे और भी ऐसे एपिसोड्स बनाने में हिम्मत मिलेगी। आप मेरे फेसबुक पेज अ स्टोरी अ वीक को भी लाइक करें और वहां पर जिन एपिसोड्स को मैंने शेयर करा है आप उन्हें अपनी वॉल पर शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पेज अ स्टोरी अ वीक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। फेसबुक पे आप सबसे पहले ऊपर सर्च बटन पर जाएं, वहां क्लिक करके अ स्टोरी अ वीक लिखिए और जैसे ही आपको स्टोरी अ वीक प्लेलिस्ट मिले उस पर क्लिक करें, उसको आप लाइक करें और उसमें अंदर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि कोई वीडियो नहीं दिख जाती। एक बार वीडियो जब आपको दिख जाएगी तो उस वीडियो के राइट साइड में शेयर बटन लिखा होगा, जिसे आप क्लिक करें, एक पॉपअप ओपन होगा और इसमें आपको शेयर नाउ को क्लिक करना है और ये वीडियो आपके वॉल पर शेयर हो जाएगी। इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं अक्षय कपूर आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।